फाइनली वेलकम होम टाइम्स ऑफ इंडिया। आइए आज आपके जरिए मैं हमारे जो फैंस हैं उनके साथ अपना घर शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ वेलकम, कम इन, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दीवार पे चलिए क्योंकि यहाँ मेरी सारी फेवरेट पिक्चर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा मेरी मॉम की पसंद है ये पिक्चर्स। उन्होंने कहा था बेटा तेरी जो बहुत अच्छी फोटोज है ना वो मैं चाहती हूँ घर में लगाए, तो उनके कहने पर मैंने घर में बहुत सारी फोटोज लगाई हैं और उससे घर काफ़ी सुंदर लगने लगा। तो आइए देखिए। अब एक बहुत खास पेंटिंग की तरफ मैं चाहता हूँ अपना ध्यान दें। ये पेंटिंग लॉर्ड शिवा का जो हाथ है और ये जो एक इंसान ने एक मतलब ऐसे लग रहा है एक बच्चे ने लॉर्ड शिवा का हाथ पकड़ा हुआ है। ये पेंटिंग मुझे गिफ्ट की गई है बाय माय वेरी डियर फ्रेंड दलजीत कौर। सो थैंक यू दलजीत। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए बताना चाहता हूँ सभी फैंस को दैट यू हैव गिवन मी दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दलजीत ने ये पेंटिंग खुद अपने हाथों से बनाई है एंड इट हैज़ अ 3D इफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो उसने पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी क्या टेक्निक यूज़ की है कि बहुत ही 3D इफेक्ट है, कैसे लगता है एक्चुअली पेंटिंग बाहर आ रही है। और मैं खुद लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस, इसलिए घर में घुसते ही मेरी फोटो से ज़्यादा सबसे बड़ी फोटो लॉर्ड शिवा की है। दिस इज़ माई यू कैन से लिविंग रूम, ड्राॅइंग रूम बहुत कुछ बोलते हैं हमारे नॉर्थ में इसको। तो ये थोड़ा कोजी सा एक है जो मैंने बनाया है बड़ी मुश्किल से। ज़्यादा मुझे अक्ल है नहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तो मैंने बहुत दोस्तों से सलाह लेकर ये बनवाया है। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। और यहाँ मैं अक्सर अपने घर में ही जो फोटोशूट्स वगैरह करता रहता हूँ तो आप देखेंगे यही कोने हैं जो आपको मेरी पिक्चर्स में बैकग्राउंड में दिखते होंगे। ये कुछ बड़ा कमाल का मुझे गोवा में मिला था। तो जैसे गांधी जी बोलते हैं बुरा मत बोलो ना देखो ना जो ना सुनो, तो उनका एक अलग लॉर्ड ये जो थोड़ा बुद्धा वर्जन आई थिंक ये निकाल के किसी ने बना के रखा था। सो आई रियली एंजॉयड देम तो आई बॉट देम। आई थिंक दे लुक रियली नाइस इन दिस हाउस। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वो किचन जहाँ मेरे लिए खाना बनाया जाता है। ये कुणाल हैं जो सामने खाना बना रहे हैं। कुणाल हाय बोल दो। तो मेरा सारा खाना पीना मेरा पूरा ध्यान यही रखते हैं, आपको पता ही है बहुत सारे सेगमेंट मिल चुके हैं उनसे। अब मैं आपको अपने बेडरूम की तरफ लेके जाता हूँ लेकिन उससे पहले पे अटेंशन टू दिस चैंडलियर। तो मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्टाग्राम पर देखा था। तो इंस्टाग्राम पर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके मेरे एक फ्रेंड है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने बोला मुझे ये चीज़ बनवा के दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने ऐसा एक ये और एक वो जो आपके पीछे है वो बना के दिया मुझे। आई होप यू लाइक देम। अब मुंबई आने के बाद जो मेरा जो पहला पोर्टफोलियो था मैं उसकी तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूँ। आइए। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट पिक्चर्स हैं मेरे पहले पोर्टफोलियो की वो एक है ये जिसमें मैं बाइक पे बैठा हूँ। अगर आपको बाइक दिख नहीं रही क्योंकि क्लोजअप है, एक ये है ये भी क्लोजअप है। और मैंने पहली बार बहुत मेहनत करने के बाद जो एक सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बनाई थी वो है ये। और इसको मैं कभी ना भूलूं इसके लिए मैंने इसका सबसे बड़ा एक लार्ज वर्जन बना के अपने ह्यूमन साइज वर्जन बना के अपने रूम के बाहर ही लगा रखा है कि कभी भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत हो तो मैं इसी को देख लिया करूँ और खुद को जिम के लिए मोटिवेट कर लिया करूँ। मेरे श्री राम का जो टेम्पल है वो भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सेगमेंट्स में। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस कॉर्नर्स फॉर मी इन दिस हाउस। यहाँ मैं प्रे करता हूँ, अपने मन की बातें करता हूँ भगवान से। और आप सबको भी कई बार स्टोरी पे इनकी पिक्चर्स इनके दिए जला के आप सबको भी ब्लेस करवाता हूँ। आइए बेडरूम दिखाता हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम जिसमें आपको दो मेरी ही आपको लगेगा बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी ये सब मेरी मॉम की चॉइस है। वो चाहती थी कि ये फोटोज़ इस घर में लगी रहे, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरी फोटोज़ देख के। तो ये मेरा बेडरूम है जहाँ मैं रिलैक्स करता हूँ आफ्टर अ टायरिंग डे एट शूट। दिस इज़ वेयर आई कम टू रिलैक्स। अच्छा मेरे बेडरूम में जब मैं बिग बॉस गया हुआ था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सरप्राइज़ करने के लिए ये एक छोटा सा शैंडलियर टाइप लगा दिया था। उनको लगा मुझे बहुत पसंद आएगा बट आई स्वेयर टू गॉड मुझे कई दिनों तक वापस आने के बाद जब मैं रूम में अपने आके सोने लगा मुझे ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा स्पाइडर है जो मेरी दीवार पे बैठा हुआ है। बिल्कुल इसकी शेप बिल्कुल स्पाइडर जैसी है। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा यूज टू होने के लिए कि ये स्पाइडर नहीं है ये शैंडलियर है ये लाइट्स है सिर्फ। तो इट्स अ फनी थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। एंड देर इज़ अ वार्डरोब इन दिस रूम विच इज़ वेरी फेमस। देखिए यहाँ मेरे कपड़ों का कलेक्शन है, मेरे जूतों का कलेक्शन है, मेरी घड़ियाँ वॉचेस सब इसी के अंदर मिलेंगे आपको, सनग्लासेस एवरीथिंग इज देयर।
ये बाय द वे वो जैकेट है जो मैंने बिग बॉस में पहना था अपने डांस पे, तो ये काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि बहुत तारीफ मिली थी मुझे अपनी परफॉर्मेंस की, एंड जो डिज़ाइनर थे उन्होंने बोला कि दिस लुक सो गुड ऑन यू दैट ही वॉन्टेड टू गिफ्ट इट टू मी, सो आई टुक इट, थैंक यू। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इट्स अ स्वेट शर्ट गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी कूल लगती है मुझे पहनने में, तो मैं इसको अक्सर एक शूट में मैंने भी रिसेंटली पहना था, शायद आगे भी कोई पहनूंगा आपको दिखाऊंगा। और है मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगती हैं, ये लेदर जैकेट मुझे बहुत पसंद है, जबकि मुंबई में आप पहन नहीं सकते हो ये सब, लेकिन व्हेन यू गो फॉर क्लबिंग और इफ यू गो फॉर डिनर्स और पार्टीज, तो ये काफ़ी एक ऑलवेज गो टू लुक होती है मेरी, वाइट टी शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक लेदर जैकेट विद अ ब्लू जीन्स और अ ब्लैक जीन्स, एनीथिंग, इट्स वेरी ईजी सिंपल एंड लुक्स ऑलवेज वेरी क्लासी। मेरे को शौक बहुत है कपड़े खरीदने का, जूतों का, घड़ियों का, सनग्लासेस का, तो आई थिंक ओवर द ईयर्स खरीदते खरीदते शूट्स करते करते कई बार हम शूट पे हमें कुछ बहुत अच्छा लग जाता है तो हम डिज़ाइनर को बोलते हैं गिफ्ट करते ना क्योंकि बहुत अच्छा लगे, तो दे भी देते हैं क्योंकि हमारे अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं उनके साथ। तो ओवर द ईयर्स ये कलेक्शन है जो आप देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो इतने जितने आप यहाँ देख रहे हैं उतने और हमारे पलंग के नीचे बंद पड़े हैं जो मैं अब यूज़ नहीं करता हूँ, जिनको मैं चैरिटी में आई थिंक मुझे दे देना चाहिए, मैं बस आई थिंक लालची हो रहा हूँ उनको दे नहीं रहा हूँ, बाहर देना मेरी हिम्मत नहीं हो रही देने की, बट या मेरा शौक है और ये शौक है जो आपके सामने दिख रहा है जो आपको शौक कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं आई स्टे ऑन द 62nd फ्लोर ऑफ माई बिल्डिंग, तो यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत कमाल का है, तो यहाँ आने के बाद एक ऐसा रिलैक्सेशन फील होता है कि आपको लगता है सारी थकान मिट गई, कम आई शो यू लुक देयर, ये है मुंबई नगरी, और यहाँ आके हमको रियलाइज होता है कि हमारे हम कितना भी बड़े सपने सोच क्यों ना सोच लें, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपके सपने कितने ही बड़े क्यों ना हो पूरे हो सकते हैं, तो वो मुझे फीलिंग यहाँ आके होती है, और रिलैक्सेशन तो माय गॉड कमाल की। सो या दिस इज अनदर फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस फॉर मी जहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट एनिमल कभी पूछा जाए तो वो हाथी होता है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे बेडरूम में भी मेरे टीवी के नीचे एक छोटा सा क्यूट सा हाथी है, और हॉल में ये हाथी साहब है जो हमेशा मतलब सामने रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना, और उनके जस्ट नीचे यहाँ देखिए छोटे छोटे अवार्ड मिले हैं, ये वो हैं आप सबके सामने कुछ अच्छा एक्टर के मोस्ट पॉपुलर फेस के हैं, तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस, ये अवार्ड्स मुझे आप लोगों की वजह से ही मिलते हैं, सो आई थिंक आई शुड रियली थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप मैं ऐसे बहुत सारे जीतूं और उन सब के लिए उन सब पे आपका नाम गुड डन और गुड डन को मैं बहुत मिस करता हूँ, मेरे लिए शायद मेरी लाइफ में मेरे करियर का कमबैक गुड डन था, तो वहाँ से जो मुझे वापस से प्यार मिला उसकी वजह से ही मुझे बिग बॉस मिला, उसकी वजह से ही मुझे वेब फिल्म LAC मिली, उसकी वजह से ही मुझे आई थिंक आज मैं ये वेब सीरीज़ करने जा रहा हूँ, तो कुछ भी मेरे करियर में अब होगा अगर तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय मैं गुड्डन को ही दूंगा, सो आई रियली मिस गुड्डन एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, और गुड्डन के जरिए मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड करने का मान भी मिली है जो कि गुड्डन इन रियल लाइफ भी है, सो आई थिंक ओवरऑल मुझे गुड्डन से बहुत कुछ मिला है विच इज़ गोइंग टू बी प्रेशियस फॉर मी फॉर एवर। आज आपके ज़रिए टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़रिए मेरे सारे फैंस देख पा रहे हैं कि मैंने अपने घर में क्या छोटे मोटे नए नए चेंजेस करे हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिहाइंड द कैमरा ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल।